नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य एडवांस भारत न्यूज से, और आज हम गुजरात के अंदर जो नर्मदा नदी है उसके किनारे खड़े हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है पूरे की पूरी, और जहाँ पे पूरे देश के लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं और इसकी परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और जब हम यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आए तो हमने देखा कि यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम भी यहाँ खुद आए थे, और ये इसके मंदिर के चारों ओर ये गुंबद है, ये एक सामने है, एक उस साइड है, और छोटा सा मंदिर है। जबकि जितने भी प्राचीन स्थल हैं सरकार को, तो इनको पर्यटक स्थल के रूप में या फिर जो दूर दूर के दर्शक यहाँ पे मंदिर में आ सके, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे किसी तरह की कोई सुधार नहीं है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा छप्पर दिख रहा है, लेकिन ये मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। जो यहाँ पे पुजारी जी हैं, महंत जी हैं गुरु जी, हम इनसे जानेंगे, हम इनसे बात भी करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा आगे आए। गुरु जी, ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? ये 43 का है, जो रावण का वध करके फिर भगवान ने प्रायश्चित करके सबको दर्शन देने के लिए ये भगवान स्वयं आए 43 युग में और ये शिवलिंग की स्थापना किया। रामेश्वर पश्चिम से की रामेश्वर महादेव उसको बोला जाता है जी। और भगवान श्री राम यहाँ पे खुद आए थे, खुद आए द्वापुर में, त्रेता में। आप देख रहे हैं ये सामने शिवलिंग है, मैं थोड़ा सा आगे से आपको दिखाऊंगा। ये शिवलिंग है और ये बताया जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पे खुद आए थे रावण को मारने के बाद, और आते समय इस शिवलिंग की स्थापना की थी। हजारों साल पुराना ये मंदिर है। ये देखो, ये भी पुराना टाइम का जो नगाड़ा बोलते हैं रखा हुआ है, एक दूसरा ये, और एक इस साइड में है जो घंटियां बजती हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल के अंदर ये मंदिर है और श्रद्धालु शाम को आरती का टाइम पे और सुबह आरती के टाइम पे कम पहुंचने पाते हैं, इसलिए आज का टाइम की जो ये देखो ये घंटियां हैं, ये बजाना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये घंटियां हैं मोटर के द्वारा चलाई जाती है। ये हनुमान जी की प्रतिमा है, ये भी हजारों साल पुरानी है, और आप ऐसे था ना? हाँ ठीक है, आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है जो भगवान श्री राम ने खुद यहाँ पे बनाया था, हजारों साल पुराना मंदिर। और इसके बारे में जो और बाहर बैठे हैं भगत बैठे हैं या सेवादार बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। एक बार रोक लो आदेश जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? विक्रम महाराज। विक्रम महाराज, महाराज जी आप इसी मंदिर में रहते हैं? हाँ, इधर मंदिर में हमारे महंत तो हरिओम महाराज है, लेकिन मैं यहाँ तपस्या के लिए हूँ। बाजू में राम लक्ष्मण गुफा है। हाँ, बाजू में ही है, मैया के। थोड़ा सा कैमरा मैन एक बार दिखाएं थोड़ा सा। हाँ, वो ये आप देख रहे हैं, ये गोविंद सा जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? गुम्बज है, मौन मंदिर के रूप में पहले गुफा थी, लेकिन अभी कालांतर में पूरा गई है, मौन मंदिर बनाया गया है, और ये आदिकालीन है। इसमें कई ऋषि मुनि, कई महात्मा सिद्ध आ गए हैं, परिक्रमा में आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं जी। तो यहाँ पर एकांत में जप ध्यान के लिए, अपने अंतर आत्मा में बैठने के लिए, शांति से अपने आत्म तत्व को जानने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, एक नर्मदा किनारे पे ऐसी बहुत सारी जगह है, इसमें से ये एक है जी। और इसमें पूरे नर्मदा खंड के अंदर ऐसे अगर देखने जाए तो माँ नर्मदा जी के किनारे पे 16,000 तीर्थ है जी, लेकिन उसमें कुछ तीर्थ 108 तीर्थ ऐसे विशेष है, इसमें से एक है ये रामनाथ। तो ये नर्मदा जिला राजपिपला तालुका, और गांव का नाम है जियोर पाटी। तो जियोर पाटी ये गांव एक ऐसा गांव है कि पूरे नर्मदा खंड में, ये क्या बड़ोदरा से कितने दूर है? बड़ोदरा से 70 किलोमीटर दूर है, और राजपिपला से 15 किलोमीटर दूर है, सूरत से 125 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पास में केवड़िया 35 किलोमीटर है, जो एकता नगर बना है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 31 किलोमीटर है। तो सारे बड़े बड़े शहरों के बीच में है ये, और बाजू में यहाँ स्वामीनारायण टेम्पल है, नीलकंठ है, बाजू में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है
कुबेर भंडारी जी, यहाँ से सामने आजू बाजू में सब तीर्थ है, गरुड़ेश्वर पास में है जी, और ये जो तीर्थ है जियोर पाटी है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जिसमें तीन तीन शिवलिंग है, वहाँ पर आगे मेघनाथ ने 12 मेघों ने तप किया है, यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने तप किया है, और इससे पीछे कुंभेश्वर है जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने शनि देव ने वो सब तप किया है, भैरव जी वहाँ प्रकट हुए हैं। उससे थोड़ा सा आगे जाओ तो वहाँ जा नहीं सकते सामान्य आदमी, जंगल में है, तो वहाँ सुग्रीव ने तप किया है। तो ये एक ही गांव में चार महादेव है, ऐसा पूरे नर्मदा खंड में शायद एक या दो ही जगह पे होगा, बाकी हर जगह ऐसा नहीं है। नहीं, तो ये 108 तीर्थों में आता है, 1600 तीर्थ जो है नर्मदा जी के स्थान में, नर्मदा खंड में दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण तट में। इसमें एक ये दक्षिण तट है, इसमें एक गांव ऐसा गांव है जिसमें चार शिवलिंग है और प्रसिद्ध शिवलिंग है, और यहां पर आने से जब ध्यान करने से, यहां वाइब्रेशन वाली जगह है, जब ध्यान में मन लगता है, और ये कान अभी तो ये खंडेर है, इसलिए सामान्य लोग यहाँ नहीं आते हैं, गाँव के कुछ लोग आते हैं और आसपास के तीर्थ गोदाम से कोई आते नहीं है, यहाँ कोई ना तो इनकम है, ना सरकारी कोई यहाँ पर देखभाल है, ना किसी गांव वाले की देखभाल है, लेकिन यहाँ एक है कि सज्जन लोग धर्मात्मा लोग ही आते हैं, मैया की कृपा है और रामचंद्र भगवान की तपस्या स्थली में भगवान का ऐसा संकल्प है या ऐसा क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ विशेष लोग आ ही नहीं सकते, यहाँ को जो पुण्यशाली जीवात्मा है पुण्यशाली वही लोग आते हैं, और कई सालों से खंडेर है और मालिक है इनका वो बकुल बह करके अमेरिका में रहते हैं, उस साल में एक बार आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और देखभाल करते हैं, जाते हैं, बाकी यहाँ कोई इनकम नहीं है, और यहाँ पर क्या है कि बस अपने यहाँ भगवान की कृपा से रोजी रोटी रोटी चलती है, जब ध्यान यहाँ पर करते हैं और जब ध्यान करने की ही जगह है, और यहाँ पर जिसको जब ध्यान करना है उसी के लिए उत्तम है, बाकी यहाँ पर पिकनिक के लिए है ही नहीं, और पिकनिक वाले यहाँ आ भी नहीं सकते, और यहाँ पे यहाँ से 280 फुट नीचे है मैया नर्मदा मैया, और एक रमणीय स्थल है, यहाँ पर विशेष पशु भी आते हैं, दीपड़ा वगैरह का भी यहाँ भय रहता है, पूरा जंगल है चारों तरफ, और पशु पक्षी भी विशेष विदेशी पक्षी भी यहाँ आते हैं, और गर्मी में भी आते हैं, और ये जो है लक्ष्मणेश्वर महादेव, इधर रामनाथ महादेव है, ये आज पास में खोड़ियाल माता का मंदिर है, वो भी कम से कम 300 साल पुराने हैं माता जी, प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत सिद्ध है खोड़ियाल माता का है। तो यहाँ पे साल में एक बार कभी कोई ऐसा दिन भी होता है जिसपे सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं? नहीं, ऐसे दिन होता है, दिन तो साल में 6-7 बार आता है, जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, लेकिन वही जो गांव के 2-5 लोग जो रेगुलर आने वाले हैं, बाहर से जो लोग कभी साल में 2-3 बार आने वाले हैं तो 2-4 लोग आते हैं, बाकी यहाँ भीड़ भरा का नहीं होता है कभी, और भीड़ होता ही नहीं, भगवान ही भीड़ नहीं करते, जगह ही साधना की है, यहाँ पे जो लोग साधना का उद्देश्य लेके आते हैं, अपने को उन्नत करने का उद्देश्य लेके आते हैं, वही टिक पाते भगवान। चलो इधर आओ, 2 मिनट, बहुत बढ़िया जी, देखो ये क्या है, एक आम जगह है, वो भगवान क्या हमको खुद परमात्मा लाए, हम किसी के माध्यम से नहीं आए, क्या एकांत जगह के जो मालिक है उसका, वो भी 2-3 साल में एक बार आता है, और हमको वो कुछ देता ही नहीं है, उसको बात छोड़ो, चलो अभी भगवान हमको सेवा के लिए लाया, 24 घंटा दरवाजा खुला होना चाहिए, हमको कोई हमको लाया नहीं, जैसे आप कैसे आए, लोभ लालच नहीं है, उसको लोभ लालच नहीं है, हमको लोभ लालच, वो साधना में पड़ा रहता है, हम सेवा में 24 घंटे पड़े ही रहते हैं, मतलब किसी का एक परमात्मा समर्थ सदगुरु है हमारा बापू जी, बस उसकी कृपा से हमारा सब चलता है, अरे और अभी अब किसी के पास हम अभी भी मंगाने अखंड जोत चलती है तो क्या है अलौकिक जगह है, प्रभु उसका वर्णन नहीं हो सकता, ये हमारा मेहुल भाई ने हमकी बहुत बहुत सेवा की है, हमारी बहुत सेवा की है, जो भी कभी मंगा मेहुल भाई ने कभी मना नहीं किया, इसके लिए हमको गौरव, इसके लिए क्योंकि गुरु भाई है हमारा, ठीक है महाराज जी, बहुत बढ़िया। और जो आसपास के गांव के भक्त हैं वो हमारे बीच में बैठे हैं, आपका शुभ नाम जी? मणिलाल जी, आप यहाँ मंदिर में रोज आते हैं? आते हैं। आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, आनंद आता है। हाँ जी, आपका नाम? कनु भाई। आपको कैसा लगता है मंदिर में आने से? हर रोज आता हूँ शाम सुबह, आगे बच्चे भी आते हैं, परिवार आता है पूरा, ये परमानेंट आने वाले दर्शनार्थी, इस त्योहार पे आपका पूरा परिवार आता होगा यहाँ से? नहीं अकेले, हम अकेला है, नहीं सबको लेके आया करो, जो बच्चे हैं नहीं, 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 उनको भी आते डालो। अच्छा,
चलो बहुत बढ़िया। आपने देखा है कि ये मंदिर है जो हजारों साल पुराना है और जो यहाँ पे महात्मा रहते हैं उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ पर लोग इक्का दुक्का आते हैं, बहुत कम आते हैं। और हम यहाँ पे बैठे हैं, भगवान ने सिर्फ हमारा जो रोटी पानी का गुजारा है वो कर रखा है और ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। और हम तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए बैठे हैं ताकि हम भगवान का नाम ले सकें, योग साधना कर सकें। फिर किसी ने प्लेट के साथ या फिर कल कहीं और जगह आपको दिखाएंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज़, हरियाणा।